मैं मनोज कुमार सिन्हा सुमो समाचार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। सुमो समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। महाराजगंज लोकसभा चुनाव 12 मई को है और मैं आज मुस्लिम मतदाताओं से उनका विचार जानूंगा कि क्या वे इस बार तख्ता पलटना चाहते हैं या उसी सरकार को रखना चाहते हैं। फिलहाल महाराजगंज क्षेत्र में क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आज उनके बारे में जाना जाएगा। अब चले हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से उनका विचार जानने के लिए। बस अपना नाम बताएंगे। मुजफ्फर इलियास। आप तो अभी युवा है जी, 70 साल कांग्रेस सरकार में और 4 साल भाजपा के सरकार में, युवाओं के लिए सरकार क्या ने किया है? नहीं, सरकार तो युवाओं के लिए सोची ही नहीं। 70 साल अगर कांग्रेस थी वो भी नहीं, और 5 साल भाजपा रही है, युवा के लिए कुछ नहीं। नहीं, युवाओं के लिए तो किसी ने सोचा नहीं। तो आप युवा है तो युवा में क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, महाराजगंज के लिए क्या सोच रहे हैं? महाराजगंज के लिए तो हम लोगों का एक ही विकल्प नजर आ रहा है, नोटा का। नोटा का ये जिसका हम लोग चयन करके और कुछ बेहतर कर सकते हैं, शायद कुछ चुनाव आयोग को अलग लगे, क्योंकि यहाँ महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में न तो कोई मिल है न कल कारखाने हैं, जबकि इसकी तादाद, यहाँ के युवाओं की तादाद इसमें बहुत ज्यादा है, फिर भी कुछ नहीं दिखेंगे। युवा लोग बेरोजगार हैं, युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और पढ़ाई की स्थिति वैसे ही दयनीय बना हुआ है। 5 सालों में भाजपा ने भी सिर्फ कूटनीति किया है, जातिवाद किया है। कांग्रेस 70 साल से थी, ठीक है, रोजगार पे ध्यान नहीं दी, कम दी, लेकिन उन्होंने जात पात नहीं किया। जितना इस 5 साल में जात पात हुआ है, जो एक विशेष धर्म को बढ़ावा दिया गया है, वो चाहे कोई एक वर्ग हो, पहले रामनवमी और जुलूस जो निकलता था मुहर्रम का, वो इतनी भीड़ भाड़ और धूमधाम से और डीजे बाजा के साथ नहीं निकलता था, लेकिन भाजपा की सरकार ने वो नीति की है कि जिसकी वजह से मुस्लिम वर्ग अलग अपना धूमधाम से निकलते हैं और हिंदू वर्ग अलग निकलते हैं, जबकि धर्म को हम लोग एक घर तक सीमित रखें और घर के बाहर हम लोग को मानवता रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं, घर के अंदर भी धर्म, घर के बाहर भी धर्म, सिर्फ अपना अपना धर्म देखा जाता है। आप अपना नाम बताएंगे सर? नाम मेरा असलम खान हुआ। अच्छा, आप तो पहले पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं सर? हाँ, इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं 2001 से 2005 तक। अच्छा, तो आप तो राजनीति में पारंगत हैं, आप बहुत दिन मुखियागिरी किए हैं, तो इस बार अपना अनुभव बताइए इस क्षेत्र के लिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए, जिसमें जो उम्मीदवार लोग खड़े हैं, इनके बारे में आपका क्या विचार है, इनमें कौन आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, लड़ाई है यहाँ वर्सेस जुमलों की सरकार। अच्छा, मोदी जी ने अभी तक जितना भी जुमलेबाजी की है, काला धन लाएंगे, हर परिवार को, हर नागरिक को 15 लाख रुपया देंगे, और 2 लाख नौकरी देने की बात कही थी, सारा नौजवान पढ़ करके घर में बैठा हुआ है, हम लोग अपना जमीन बेच बेच के बच्चों को पढ़ाए हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं है, हर बात इनका जुमलाबाजी है। अभी उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं माननीय सिग्रीवाल जी, हमको तो नहीं लग रहा है कि 5 साल में कोई विकास किए हैं। हर गांव में एक दो आदमी गणमान्य लोग के पास बैठते हैं, घूमते हैं, बस खाना पीना किए और गए, विकास का कोई बोर्ड नहीं लगा है। इसलिए इस बार पूरा जनता, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए महागठबंधन यहाँ भारी है। आप अपना नाम बोलेंगे सर? मौलाना नसरुद्दीन, मौलाना नसरुद्दीन ताजपुर।
आप बताएंगे सर कि 70 साल कांग्रेस सरकार रही और 4 साल 5 साल भाजपा की रही जी, इसमें विकास में क्या आपको दिखाई दिया, किस में अंतर है, कुछ अंतर दिखाई दिया है? खास नहीं है, कोई खास नहीं है, भाजपा में कुछ नहीं मिला, कांग्रेस में भी कोई विकास नहीं हुआ ना। अच्छा, तो महाराजगंज में आप किसको अपना सांसद बनाना चाह रहे हैं, किसको चुन रहे हैं? लालटेन छाप। कौन है लालटेन छाप से? लालटेन रणधीर सिंह, उन्हीं को आप मत देना जी। बाबा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? महागठबंधन से जो जीत के आएगा प्रधानमंत्री। महागठबंधन से? अच्छा, महागठबंधन में आपको मैंने कौन सुटेबल दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री फिलहाल? फिलहाल राहुल गांधी। राहुल गांधी उनमें कुछ दिखाई दे रहा है? इस बार जीत पक्की है उनका? मोहम्मद फिरोज खान जी। अब बताएं 70 साल जो कांग्रेस की सरकार थी और अब फिलहाल 4 साल भाजपा की रही है 5 साल, इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर इसमें सर कुछ विकास है? ना विकास एक चीज की हुई है सर, जातिवाद का। जातिवाद का जी? अच्छा, जो के हमारे यहाँ संसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, एक झड़प बच्चों के अंदर में हुई थी जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि चल के कम से कम देख लीजिए, चल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग संभल के रहिए और यहाँ से गाड़ी मुड़वा करके चले चले गए। वो जाति में कौन हम लोग का सरबराह होगा जिसको हम लोग वोट दें? सोचते सोचते आज ये हम लोग निर्णय निकाल लिए हैं कि वो भी तो हिंदुए हैं रणधीर सिंह, तो हम लोग सोचा गया कि क्यों ना उसको वोट दिया जाए। रणधीर सिंह सन्ना खाला जी, आप बताएंगे क्या महाराजगंज में कौन विकास कर सकता है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में? महाराजगंज से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो हैं रणधीर सिंह, हम लोग उन्हीं का साथ दे रहे हैं, उन्हीं को वोट देके जिताएंगे और उन्हीं से उम्मीद है कि कुछ महाराज उनके लिए सोचेंगे करेंगे। और वर्तमान संसद से कोई उम्मीद नहीं थी? नहीं, उन सिग्रीवाल 5 साल थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना ही किया है कि धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदारों को पैसा दे दे के अपना जय जयकार लगवाना, जय श्री राम करना, बस यही उन्होंने किया है 5 साल में, और कुछ नहीं किया। रणधीर सिंह से आपको उम्मीद है? रणधीर सिंह से हम लोग का पूरा पप्पू वाला। पप्पू वाला बताइए कि आप जो युवा है, युवाओं के लिए सरकार में कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मोदी सरकार में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आप सरकार परिवर्तन चाहते हैं? जरूर, क्योंकि राहुल गांधी भी युवा है। हाँ, और तेजस्वी यादव भी युवा है जी, और अभी तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हुए थे, जैसे ही इन्होंने काम में विकास का ध्यान देना शुरू कर दिया तो पार्टी सजाना पलट दिया था। तो आप देखिए तेजस्वी यादव का मैंने पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा और हम लोग भी मेहनत करेंगे जितने भी युवा हैं कि जितने भी इंजीनियर या कोई भी पीसी से जो भी एग्जाम देकर बैठे हुए घर पे वो आज हमारे मैंने जो भी उम्मीद है तेजस्वी यादव हैं कि हो सके तो जीतेंगे तो जरूर हम लोग को बेरोजगार मिलेगा। हम लोग आज इंजीनियर ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं घर पे, तो हम लोग को उम्मीद यही रहेगा। राहुल गांधी भी ये ऐलान भी किए हैं कि अगर हम जीतते हैं तो जितने भी रोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। कुछ विचार ले लिया जाए सर, आप अपना नाम बताएंगे? शहाबुद्दीन अहमद खान। शहाबुद्दीन अहमद खान, शहाबुद्दीन जी आप बताएंगे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सिग्रीवाल के दिन में भी कुछ विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। अब विकास किसमें दिखाई दे रहा है? अभी नया नियम जो आएगा वो कांग्रेसाई का। अच्छा, कांग्रेसाई का जी। तो अभी कांग्रेसाई का तो यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, मिली जुली सरकार के। मिली जुली सरकार है। तो इनको आप मैंने नेता बनाना चाहते हैं? रणधीर सिंह को। अच्छा, रणधीर सिंह में आपको कुछ खासियत दिखाई दे रही है? युवा नेता जी। महाराजगंज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव जो रहा है लोकसभा का महाराजगंज रणधीर सिंह को जिता रहे हैं जी। रणधीर सिंह मैंने युवा है इसलिए नहीं नहीं क्या उसमें देख रहे हैं? विकास किया, अभी छपड़ा में थे वो। अच्छा, वहाँ भी काफी विकास किए हैं। अच्छा, विधायक थे तो? हाँ, विधायक थे तो यहाँ पर उन्हीं को जिता रहे हैं। अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद हुआ। शाहिद हुआ, आप क्या सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव जो आ रहा है इसमें किसका सरकार बनाना चाहते हैं? यहाँ अगर
अगर देखा जाए तो इस बार तो राहुल गांधी की लहर चल रही है। अच्छा। वो इसलिए कि हमारे मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए, जैसा कि 15 लाख, डिजिटल इंडिया, बहुत बहुत सारी योजनाएं, किसी पे वो कायम नहीं रह पाए। और हम युवा हैं, हम युवा हमेशा यही सोचेंगे कि हमारा जो भी प्रधानमंत्री हो या नेता हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और विकास की मुद्दे पे बात करें, न कि अलग अलग मुद्दे पे बात करें। हाँ, अपना नाम बताओ। जाओ रामतुल्ला। अच्छा, अभी महाराजगंज चुनाव में है, केरला के प्रधानमंत्री देखे चाहो तो नहीं? राहुल के। हाँ। राहुल में क्या खासियत बा? राहुल में खासियत बा से वो लोग का खानदानी कुछ संविधान के दायरे में काम करे वाला आदमी। अच्छा तो हाँ, हाँ, मोदी संविधान से कुछ फालतू काम कर रहा है। अच्छा मोदी सरकार का कोई फायदा नहीं है? वादा जो कोयलन तो पूरा ना कोयले एजी के कॉले रात के काला धन विदेश से लिया ले आए, वो काला एजी से धन चल गए बाहर विदेश। 15 लाख रुपया ना मिलल? तू ना मिलल नहीं पता, लेकिन धन ले आओ के कॉलन बल्कि बजाय एजी के धन बाहर चल गए। अच्छा, ऐसे हम नाराज हुए। मोहम्मद सुफियान जी, आप बताएंगे महाराजगंज क्षेत्र में विकास कौन कर सकता है? महाराजगंज क्षेत्र में विकास अभी के हिसाब से तो जो नए उम्मीदवार है, नया चेहरा है रणधीर सिंह, वही कर सकते हैं। पूरा युवा उनके साथ है, युवा साथ है, ऐसे इनके जीतने से अगर युवा को रोजगार मिला तो इससे अच्छा क्या है, बस यही कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? अमीनुल्ला खां। महाराजगंज लोकसभा चुनाव में अभी जो माहौल है चुनाव का, इसमें क्या आप कुछ कह सकते हैं, किसका बोलबाला है यहाँ? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। इसमें अभी तो के दौर में रणधीर का पोजीशन बेहतर नजर आ रहा है, युवा लड़का है और युवा बेरोजगार बहुत ज्यादा है, किसान का पोजीशन यह सही है, ये नहीं है, कर्जा लोग का भी माफ नहीं हुआ है, कितना लोगों का इस साल में जो 2000 करके देने वाली में 6000 बाद हुआ वो भी नहीं पैसा कितना लोग है, एक किस्से लोग को आया, बहुत लोगों को नहीं मिला है। और ये बेरोजगारी है, ये है, युवा सब बेकार घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को, तो यही सब परेशानी है। तो ये सिग्रवाल जो है कुछ विकास काम क्षेत्र में किए हैं कि नहीं? अब विकास में तो हमको तो कोई खास नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ बने। शाहान खान आप तो युवा है, फर्स्ट वोटर है, आपको मैं उमंग होगा ज्यादा वोट देने का, किसको विचार बना है वोट देने के लिए? युवा है तो युवाओं के बारे में सोचेंगे, तो युवा को ही देंगे, युवा के बारे में। ठीक है, अच्छी बात है। तो युवा इसमें आपको कौन दिखाई दे रहा है? रणधीर सिंह दिखाई दे रहा है। रणधीर सिंह मैंने इस पर जीता देना है, नाम बताएंगे पहले आप अपना? अख्तर अली जी बताए, किसको वोट देना चाहते हैं? रणधीर सिंह को। मतलब क्षेत्र में विकास करने की आशा है उनसे? जी, पूरा हम लोग का आशा है। सही बात है, आप बताएंगे सर अपना नाम? मेरा नाम इमरान खान हुआ। महाराजगंज में अभी तक तो कुछ विकास हुआ है कि नहीं देख रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। होने की किसे आप आशा रखते हैं महाराजगंज क्षेत्र के लिए, बताइएगा कि इसमें कौन विकास कर सकता है? सिर्फ रणधीर सिंह, सिर्फ रणधीर, कोई नहीं। धन्यवाद। मोहम्मद फारूक, अपने का चाल जाता? अभी केकरा जीता हो तनि बाबा? अभी जो खड़ा बा, एक खड़ा बा भाई, खड़ा वाला सिग्रवाल बड़ा, रणधीर सिंह बड़ा, साधु यादव बड़ा, ये तीन जना जा तगड़ा नेता बल हो गए, मैं केकरा के बाद समर्थन करता नहीं? कांग्रेस का। अच्छा, तो कांग्रेस का तो वह बड़ा बना लेता। हम लोग तो खाटी है, इसमें डरने वाली बात खाटी है तो मैं आज प्रखंड के ताजपुर बसाही मोड़ के अंतर्गत बहुत सारे मुस्लिम भाइयों से इस बार के लोकसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया और विकास के बारे में भी पूछा।
सारे मुस्लिम भाइयों ने इस बार कहा, एकजुट होकर के कहा, तय रणधीर जय रणधीर। इस बार उन लोगों का मत है सरकार को बदलना, और उन्होंने राजद को जिताने की बात कही और रणधीर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने की बातें कही।